हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एलसीएम। पर हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी 3/2+ करके, तो उसमें जो आपको एलसीएम लेना था ना, तो आपको कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो अब आज हम आपको एलसीएम सिखाएंगे। तो क्वेश्चन 1 हेडिंग डालेंगे एल डॉट डॉट एलसीएम। तो पहले हम आपको छोटे से छोटे बेसिक एलसीएम सिखाएंगे। तो गाइस, अगर आपको एलसीएम मतलब नहीं पता ना, तो मैं बता दूँ, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आज हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले आप लीजिए कैसा, टू टू और थ्री का एलसीएम। तो आप पहले यहाँ पर लकीर खींच दी, और टू का एल टू पहले हम टू और यहाँ पे ऐसी लाइन खींचेंगे, और थ्री ऐसे लाइन इधर लाइन, और आपको देखेंगे टू टू की टेबल में ये जाता है, पर ये नहीं जाता, पर बाद में ले लेंगे। टू वन ज़ा टू, और थ्री अगर थ्री टू की टेबल में थ्री नहीं जाता तो उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे थ्री वन वन को एज इट इज़ लिख देंगे, और थ्री वन ज़ा थ्री, और ये नहीं है टू और थ्री, टू ऐसे थ्री कर देंगे, और टू थ्री ज़ा टू वन ज़ा टू, टू थ्री सिक्स। तो आपका इसका एलसीएम निकल गया 6। तो आपको मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ 2 और 4 का। तो अब इसको निकालते हैं, और 2 4, और 2 की टेबल में दोनों जाते हैं, तो अब 2 से जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और 4 की टेबल नहीं, 2 की टेबल में जाएगा, इसको एज इट इज़ लिखना है, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा। अब यहाँ पे ये 2 है, 2 × 2 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो आपको ये मैंने निकाल के बता दिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ 30 और 40 का एलसीएम। आपको इसको घर में करना है, और अगर आपको इसको घर में करना है तो बाय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना।